वेलकम टू टेक्निकल एक्सपर्टाइज दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो गेम्स और एप्लीकेशंस बनाती है कंपनी, तो उसमें पहले से इतने सारे फीचर्स उनको पता होता है कि इसमें बहुत सारे हम फीचर्स डाल सकते हैं या मॉडिफिकेशन और ज़्यादा कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करते। अब एग्जाम्पल में बता दूँ तो कोई GTA गेम होता है तो उसमें हम बहुत अच्छी अच्छी कार्स डाल देते हैं, फिर जो कंपनी ने उस गेम को बनाया वो ये काम पहले ही क्यों नहीं करती, या वो मॉड्स को देख कर वो फिर वैसा अपडेट क्यों नहीं लाती, तो इसी के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स गो। दोस्तों अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूँ तो एक गेम है रेसलिंग रिवॉल्यूशन 3D, तो इस गेम में मैं बात करूँ तो बहुत सारे मॉड्स इसके निकल गए। इसमें कुछ जो रेसलर्स होते हैं उसके नेम चेंज कर दिए गए हैं, कुछ रेसलर को बहुत अच्छा मॉडिफिकेशन किया गया है, या बहुत सारे कॉस्ट्यूम डाल दिए हैं, बहुत सारे स्किन्स डाल दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया है जो गेम डेवलपर होते हैं, जो मॉड्स बनाते हैं उन लोगों ने। पर जो रियल कंपनी है, जो मैट डिकी की कंपनी है जो ये गेम बनाती है, वो ऐसा कभी भी नहीं करती। वो बस छोटे छोटे अपडेट लाती है जिसमें बग फिक्सिंग हो गया और कुछ फिक्स करते हैं, या कुछ फीचर्स आते हैं जो 2 महीने में एक बार कुछ छोटे छोटे फीचर्स वहाँ आते हैं। पर अगर हम उसके मॉड्स यूज़ करें, WR3D रेसलिंग रेवोल्यूशन 3D के मॉड्स यूज़ करें, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। उसमें रोस्टर्स जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, नंबर ऑफ रोस्टर्स या नंबर ऑफ वेपन्स बढ़ा दिए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बढ़ा दिया गया है। उसमें रेसलर की जो नंबर्स होती है, लिमिट होती है, वो भी बढ़ा दिया गया है। अब रेसलिंग रेवोल्यूशन किसी को पता है किसी को नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, वो है GTA गेम्स का। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो GTA गेम्स जिन्होंने खेला होगा, तो उसमें आपको पता है कि उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं जो गेम डेवलपर होते हैं, जो घर पे बैठ के ये कर सकते हैं, पर खुद कंपनी ऐसा नहीं करती, इतने बड़े बड़े अपडेट वो नहीं लाती। अब ये क्यों होता है, कंपनी ये कर सकती है। अब मैट डिकी की कंपनी रेसलिंग रेवोल्यूशन को बहुत अच्छा मॉडिफाई करके उसमें बहुत अच्छे ग्राफिक्स डाल के बहुत अच्छी चीज़ बना सकती है उस गेम को, पर वो ऐसा नहीं करती। तो बात क्या है, ऐसा वो क्यों नहीं करते, तो इसमें पूरी सच्चाई नहीं है दोस्तों। अब ये जो मॉड्स बनाते हैं वो बनाने वाले उनके कंप्यूटर पर बैठ के ये करते हैं, और ये करना इतना मुश्किल ऐसी बात नहीं है, सिंपल सी बात है। हम किसी भी गेम को मॉड कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बस हमको कुछ उसकी थोड़ी प्रैक्टिस रहनी चाहिए, वो गेम किस तरह बनाया गया है, उसमें ग्राफिक्स किस तरह यूज़ किए जाते हैं, वो ग्राफिक जस्ट हमको डिज़ाइन करने हैं और उस गेम की जगह इसको रिप्लेस कर देना है, बस दूसरा कोई काम मॉड्स में बहुत, और प्रोफेशनल मॉडिंग भी होती है, पर इससे भी बेहतर वो कंपनी कर सकती है, पर वो नहीं करती। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की। अब पावर डायरेक्टर हो गया, काइन मास्टर हो गया, ये जो एडिटर्स है, वीडियो एडिटर्स है, तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि हम फोटो का लेयर बनाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा लेयर्स हम लगा सकते हैं मॉड को यूज़ करते, या हम वीडियो किसी मोबाइल में हम वीडियो का जो लेयर होता है वो नहीं लगा सकते, पर अगर हम उसी एप्लीकेशन का मॉड यूज़ करें तो हम लेयर भी लगा सकते हैं, बहुत सारे वीडियो लेयर अपने वीडियो में लगा सकते हैं। तो क्यों कंपनी ऐसे पहले से ही नहीं करती, अगर उनको पता है कि हम लगा सकते हैं वीडियो लेयर, हम वीडियो लेयर का ऑप्शन दे सकते हैं, फिर भी वो बताते हैं ऑफिशियल एप्लीकेशन में कि वीडियो लेयर आप नहीं लगा सकते, फोटो लेयर भी आप नहीं लगा सकते, किसी फोटो लेयर तो हम लगा सकते हैं, वीडियो लेयर ज़्यादा वीडियो लेयर आप नहीं लगा सकते, पर अगर मॉड यूज़ करें तो उसमें लगा सकते हैं। तो अब रीज़न में ही आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो कंपनीज होती है, अब मैं उदाहरण के तौर पर बता तो पावर डायरेक्टर को बनाने वाली टीम, या साइबर लिंक जो कंपनी है वो, या कोई भी वीडियो एडिटर कंपनी हो, या कोई गेम बनाने वाली कंपनी हो, इनकी रिप्यूटेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको पता है जो भी गेम्स बनाने वाली कंपनी, जो पॉपुलर गेम्स है उनकी जो कंपनीज होती है, अब पबजी को बनाने वाली है 10 कंपनी, तो इनको बहुत जल्दी में ऐसे बड़े बड़े कदम वो नहीं ले सकती, क्योंकि उनके गेम की रिप्यूटेशन है, उनकी एक रिप्यूटेशन है। क्या रिप्यूटेशन है वो, कि उनका गेम बहुत लाइट है, यूज़ करने में बहुत सिंपल जाता है, और गेम खेलते वक्त कुछ भी बग नहीं आता या कुछ लैग नहीं होता, ये सारी जो चीज़ें हैं
गेम बहुत लाइट वेट है, ये भी जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ों से उस गेम को बहुत अच्छी रिप्यूटेशन मिल चुकी है। ये गेम बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें ये चीज़ें हैं, उसमें सबसे ज़्यादा रोल जो प्ले करता है वो है उसकी लाइट वेट। जो गेम्स होते हैं, जो एप्लीकेशन होते हैं बहुत लाइट होते हैं, उनमें ज़्यादा हेवीनेस नहीं होती। हम अगर खेलने बैठ जाते हैं ऑफिशियल गेम या ऑफिशियल एप्लीकेशन, वो बहुत फास्ट चलते हैं, मस्की की तरह चलते हैं। ऐसे बहुत लैग करते हुए या लोडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, ऐसी बातें उसमें नहीं होती। और हम मॉड्स देखे, जो हमने मॉड्स बनाए उस पर मॉडिफिकेशन किए, तो वो देखो वो बहुत लैग करते हुए चलते हैं, बहुत बग्स आते हैं उसमें, या उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत बहुत ज़्यादा कम होती है। स्पीड भी बहुत मैटर करती है वहाँ। ऑफिशियल ऐप यहाँ रख दो और मॉड की गई ऐप, जो मॉडिफिकेशन की गई ऐप है वहाँ रख दो, दोनों को एक साथ चला। स्टार्ट में मैं आपको बता दूँ, स्टार्ट भी होना, ये ओरिजिनल जो एप्लीकेशन है ये भी बहुत फास्ट चलेगी, स्टार्ट भी बहुत फास्ट होगी और सारी चीज़ें वो फास्ट करेगी, बेहतर करेगी। हाँ, इसमें बहुत फंक्शनैलिटीज तो है, पर ये फंक्शनैलिटी हम यूज़ तो कर पाते हैं, पर इसकी रिप्यूटेशन उतनी नहीं है। मॉड्स बने हुए हम उसको इतने, मतलब ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है उसको बीट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफिशियल ऐप बनाते वक्त तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों ने मिलके बनाई हैं, सिर्फ एक लोगों ने मिलके नहीं बनाई, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने मिलके बनाई है, इसलिए वो जो एप्लीकेशन है वो लाइट वेट है और इसलिए हम उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। और बात करें मॉड्स की, तो हम इजीली नहीं यूज़ कर सकते, थोड़ा लैग होता है, थोड़ा ज़्यादा उसमें मॉडिफिकेशन बनती है, और सबसे इम्पोर्टेंट उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ देखिए 50 MB साइज़ होगी तो यहाँ ज़्यादा हो जाएगी, 100 MB हो जाएगी, 120 MB हो जाएगी, ये बातें होती है। तो एक तो परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है, स्पीड भी हमें परफॉर्मेंस में भी आ गया, स्पीड भी उतनी बेकार रहेगी मॉड्स की, तो इसीलिए वो इतने जल्दी अपडेट नहीं करते, इतनी जल्दी बड़े बड़े अपडेट्स नहीं देती है कंपनी। वो ये कर सकती है, बहुत हाई ग्राफिक्स उसमें डाल सकती है, बहुत अच्छे फीचर्स उसमें डाल सकते हैं, कुछ लिमिट्स होती है कि इतने तक आप खेल सकते हो, उससे आगे बना सकती है। कोई GTA गेम्स में एक नई सिटी आपको प्रोवाइड कर सकती है, पर वो ऐसा नहीं करती। यहाँ मॉड्स में देखें तो हम बहुत कुछ चीज़ें हैं, वो बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं, पर वो उतना अच्छा नहीं चलता। तो गेम की रिप्यूटेशन रहे, धीरे धीरे अपडेट से अच्छी खुशी मिले, अच्छी चीज़ें जो गेमर्स होते हैं, जो एप्लीकेशन यूज़ करने वाले हैं उसको मिले, इसलिए कंपनी अपडेट्स जल्दी नहीं देती या ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें इतनी फास्ट नहीं करती, वो धीरे धीरे अपडेट देती है, तो इसलिए ये बातें होती। मॉड्स की बात करें तो वहाँ एक आदमी ने बनाया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने नहीं बनाया, तो कुछ भी जितने फीचर डाल सकता है उतने डाल देता है, पर सॉफ्टवेयर की बात अलग है, वहाँ इतनी फीचर डाल देना अच्छी बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात भी अलग है, क्योंकि आपको पता है कि बैटरी बहुत अलग चीज़ डाल दी तो वो भी फटने लगता है फ़ोन। सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 का भी यही हुआ, तो उन्होंने बैटरी पर बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट भी किए कर दिए तो फ़ोन फटने लगा, यही बातें होती है। दोस्तों, रेसलिंग रिवोल्यूशन 3D है, एक बहुत अच्छा गेम है, उसमें भी यही काम किया हुआ है। बहुत सारे गेम है उसमें मॉडिफिकेशन किए गए हैं, पर रियल जो कंपनी है ये मॉडिफिकेशन नहीं करती, तो ऐसी बात है। अब इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्लैशटेक नाम की एक अलग सीरीज़ आ चुकी है, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर फ्लैशटेक प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, बहुत अमेजिंग सीरीज़ है। मैं इसमें बताने वाला हूँ आपको अलग अलग फैक्ट, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो मिलते हैं ऐसी वीडियो में।